नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट। नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान प्रतिष्ठान दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393। नमस्कार, सिरोही जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलीसा सिलावट ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, श्रमिक विरोधी कानूनों पर रोक लगाने हेतु भेजा ज्ञापन, कोरोना जन जागरूकता रैली को किया रवाना, बॉम्बे सिटी सेंटर मार्केट में लगी आग। अब समाचार विस्तार से, श्रमिक विरोधी कानूनों पर रोक लगाने हेतु भेजा ज्ञापन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आंगनवाड़ी संगठन ने राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री गोपाल सिंह राव व भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री सुरेश कुमार प्रजापत के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सुरोही हंसमुख कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। राव ने बताया कि भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए बने 44 कानूनों को समाप्त कर 4 नए कानून बनाए हैं। सरकार ने वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, कार्य स्तर पर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता के कानून बनाए हैं, जिसमें कुछ कानून श्रमिक व मजदूरों के विरुद्ध हैं, जिसका भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध करता है। ज्ञापन कार्यक्रम जिला महामंत्री पुष्पा सोलंकी, राखी प्रजापत, आशा सहयोगनी, मोहिनी पालीवाल, रेखा गर्ग, गीता सविता सहित अनेक कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगनी, ग्राम साथी उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक। कृष्णा जनरल हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर सियावट पोषाणा सुविधाओं का विस्तार करते हुए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेतन प्रकाश गुप्ता, जनरल फिजिशियन डॉक्टर जय सिंह बारोट, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सोनी के साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भार्गव पटेल द्वारा विशेष सेवाएँ। वहीं भामाशाह कार्ड धारकों व आयुष्मान भारत योजना के तहत डिलीवरी व ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। साथ ही हॉस्पिटल द्वारा कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, एक्सरे व ईसीजी की सुविधा के साथ डिलीवरी मरीज को लाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थापक हंजाराम चौधरी एवं तलसाराम चौधरी, कृष्णा जनरल हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर, पोषाणा रोड, सियावट। मोबाइल नंबर 9772286601, 7665826519। श्री विश्वकर्मा आरा मशीन। नवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त जिले वासियों एवं देशवासियों को सुतार लाखाराम एवं रूपाराम सुतार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वकर्मा भगवान की कृपया आप सभी पर बनी रहे। श्री विश्वकर्मा आरा मशीन, बस स्टैंड, मुकाम पोस्ट थानसा, जिला जालौर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9928928748 7726843389। नवरात्रि के पावन महोत्सव पर जिले वासियों एवं देश वासियों को जेठाराम सुंदेशा वसीर शक्ति इलेक्ट्रिकल्स की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सुंदा माता की कृपया सभी पर बनी रहे। शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल्स, पोषाणा, सियावट। मोबाइल नंबर 9662913704 व 7410940542। नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट। नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान प्रतिष्ठान दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना जन जागरूकता रैली को किया रवाना। हेमंत अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार की दोपहर को यातायात पुलिस चौकी के बाहर से नगर पालिका प्रशासन द्वारा मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं बगैर तले शिवगंज शहर में रैली निकाली गई एवं शहर की आम जनता को जागरूक किया गया। वहीं कोरोना से बचाव हेतु जानकारी दी गई। रैली में उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी, थाना अधिकारी बुद्धा राम चौधरी, पालिका अध्यक्ष वजिंग राम घांची आदि उपस्थित रहे। बॉम्बे सिटी सेंटर मार्केट में लगी आग। समर्थाराम सुंदेसा उंदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी सेंटर मार्केट में भयंकर आग लगने से कई का मारवाड़ी भाइयों को नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार मारवाड़ी भाइयों के मोबाइल फोन की दुकानें जली जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। इस घटना को लेकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो तुरंत सिटी सेंटर मार्केट पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक काफी नुकसान हो गया था। कल शाम 8:30 बजे भारत के सबसे बड़े व होलसेल मोबाइल मार्केट आर्किड सिटी सेंटर मॉल 1500 दुकानें 4 मंजिले मुंबई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तुरंत सूचना दमकल दल वालों को दी और रात को करीब 12 बजे आग पर काबू भी पा लिया गया था, लेकिन उसके बाद आग की लपटें वापस फैल गई। उसी लपटे ने भीषण आग का विकराल रूप ले लिया जो कि अभी भी पिछले करीब 16 घंटों से बेकाबू है। पूर्व में भी 2011 को मोबाइल की जानी मानी सारा मार्केट में भी यही हाल हुए थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।